हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं अपनी रसोई से पूजा गर्ग। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं अपनी रसोई में पकोड़ा, कढ़ी और चावल। तो आइए चलते हैं अपनी रसोई में। फ्रेंड्स, कढ़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये एक बड़ा सा बाउल ले लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ ये बेसन। तो मैंने एक चम्मच डाल दिया है और ये बहुत अच्छे से भरकर दो चम्मच डाल दिया है। और अब हम धीरे धीरे करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे घोल लेंगे। तो हमें शुरू में ये ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि फिर गुठली पड़ जाती है। और धीरे धीरे इस तरह से देखिए बेसन एकदम बढ़िया तैयार हो गया है। दिखाती हूँ, इसमें हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं डालना है, बस जितने में आराम से ये तैयार हो जाए। इसका इस तरह से हमें मीडियम सा पेस्ट बना लेना है। तो ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और ये मैंने देखिए दही ले लिया है और इसे पतला कर लिया है थोड़ा, ये छाक। अब हम इसे चला लेते हैं। आप चाहे मिक्सी से भी चला सकते हैं। ये मैंने एक कटोरी दही लिया था, इस बड़े बाउल में चला लेंगे। इसे हम साइड रख देते हैं। और ये जो हमने बेसन अभी तैयार किया था, देखिए इस बेसन को हम इसमें चलाए हुए जो हमने तैयार किया है दही, इसमें डाल देते हैं और इसे बहुत अच्छे से इसमें घोल लेते हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये अभी ठीक से मैच नहीं हुआ, तो हम दोबारा बेसन के बाद भी इसे अच्छे से चला सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे तैयार कर दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और गैस जलाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं चावल भिगो देती हूँ। तो ये मैंने चावल लिए हैं और इन्हें मैं साफ करके भिगो देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कढ़ी बने और साथ में चावल ना बने ऐसा तो होता ही नहीं है। सभी को कढ़ी के साथ चावल पसंद होते हैं। तो ये मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है। फ्रेंड्स, मैंने गैस जला ली है और देखिए है, और इसमें मैंने ये तेल डाल दिया है। आप अपने अंदाजे से तेल डाल सकते हैं। और इसे अब हम गर्म होने देते हैं। ये मैंने डाला है जीरा इसमें और इसे अब हम चटकने देते हैं। ये दरदरी की हुई मेथी है जिसे मैंने दरदरा कर लिया है। और ये सौंफ है और ये हल्दी है। ये स्वाद अनुसार अपने हिसाब से, जैसे भी आप यहाँ खाई जाती हैं उस हिसाब से आप मिर्च डाल लीजिए। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिर्च खाई जाती है। और ये धनिया, और ये मैं डाल रही हूँ मीठा नीम भी बोलते हैं इसे। अब ये मैंने बेसन घुला हुआ जो मट्ठा है वो ले लिया है। अभी इसमें मैंने नमक नहीं डाला है। ये मैं नमक डाल रही हूँ, अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो। देखिए अब इसमें मैं बराबर कंटिन्यूस चलाते रहना है। इसे गैस थोड़ी धीमी कर दी है मैंने और इसे लगातार चलाते रहना है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ जिससे कि ये बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। और अब मैंने ये पानी इसमें डाल दिया है। जब हम कढ़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा खट्टा, हल्का खट्टा ही होना चाहिए। दही या मट्ठा आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप घर पे दही रखा है तो आप उसे पतला करके, थोड़ा उसमें पानी डाल के पतला करके कढ़ी बना सकते हैं। मट्ठा रखा है तो वो भी बहुत अच्छा है। फिर धीरे धीरे से बबल आने लगे हैं और
आप देख रहे हैं किनारे किनारों से, और इस तरह से ये अच्छे से पक रही है। इसे अब हम साइड में रख देते हैं दूसरी गैस पर। गैस को जला दिया है और अब मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ी की पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो मैंने ये बेसन लिया है, अंदाजे से जितना भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये मैंने 2-3 चम्मच ले लिया। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, 1 पिंच हींग डाल रही हूँ। बेसन की चीज में हींग जरूर डालनी चाहिए, नहीं तो कई बार होता है, ऐसा होता है कि पेट में बड़ा भारीपन सा हो जाता है बेसन की चीज खाकर, लेकिन हींग से बहुत ठीक रहता है। और ये मैंने डाल दी 1 पिंच और थोड़ा सा एकदम 1 पिंच सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेकर अब देखिए आप इस तरह से थोड़ा पानी डालते हुए, अगर हम शुरू में ज़्यादा पानी डाल देते हैं ना तो उसमें गुठली पड़ जाती है बेसन में। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। जो इसे पकते हुए, कढ़ी को पकते हुए 10 मिनट हो गए और अभी हम और पकाते हैं। अभी ये पकी नहीं है, इसकी ये पहचान है कि चारों तरफ जब झाग होते हैं ना आ रहे होते हैं तो तब ये माना जाता है कि अभी ठीक से पकी नहीं है, पकना अभी और बाकी है। तो हम अभी इसे और पकाते हैं। पक के अच्छे से फेंट लिया है मैंने बेसन को, बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसकी पकौड़ी बनाते हैं। तो मुझे हाथ से बनाने की आदत है तो मैं हाथ से बना डाल रही हूँ, या आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। पकौड़ी सिक गई हैं और हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है इनका। जो कुछ पकौड़ियाँ सिक गई थी मैंने उतार भी ली है और बस अब ये भी सिकने वाली है, इन्हें भी मैं उतार लूँगी। थोड़ा सा और इन्हें अलग पलट देती हूँ सभी पकौड़ियाँ। एक्स्ट्रा ऑयल अलग हो गया है और इन्हें निचोड़ते हुए मैंने सारे उतार लिए हैं। अभी और थोड़ी देर पकाएंगे, उससे पहले हम ये पकौड़ियाँ इसमें डाल देते हैं, कढ़ी में डाल देते हैं। तो मैंने कढ़ी में पकौड़ियाँ सारी डाल दी हैं। देखिए पकौड़ियाँ पढ़ने के बाद तो कढ़ी और भी कितनी अच्छी लगने लगी है आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब मैं इसे स्टेज पर चावल बनने रख देती हूँ, क्योंकि कढ़ी बनने अभी थोड़ी देर और खर्चेगी। मैंने गैस जलाकर अब चावल बनने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि कढ़ी भी अब थोड़ी देर में बनने ही वाली है तो मैंने चावल भी बनने रख दिए। फ्रेंड्स, कढ़ी बहुत ही अच्छी से पक गई है आप देख सकते हैं। और अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब इस स्टेज पर अब मैं डालती हूँ इसमें ज़्यादा सा अच्छा सा धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया, इसमें बहुत अच्छा लगता है। और अब हम बनाते हैं बहुत ही अच्छा सा तड़का। फ्रेंड्स, तड़का मैंने बनाकर डाल दिया है। अब हम कढ़ी को सर्व कर लेते हैं। देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है और कढ़ी बनी भी बहुत अच्छी है।
चावल सर्व कर लेते हैं, कढ़ी और चावल खाते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कढ़ी चावल बनकर बिल्कुल तैयार है।